हाँ बिल्कुल हर्ष हाँ, देखिए मैं ना आज निफ्टी के पर बताऊँ इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ हम नॉर्मली कभी भी फ्राइडे की शुरुआत करते हैं तो हम ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शनस हम वीकली ऑप्शन की बात करते हैं आज सुबह आकर जब मैंने ऑप्शन की शीट देखी खैर हैरानी नहीं होनी चाहिए इसमें लेकिन मंथली ऑप्शन डोमिनेट कर रहे हैं इस समय क्योंकि आई थिंक अब लोग थोड़ा इस पूरे मंथ का एक व्यू लेके चलना चाहते हैं और उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दो ऑप्शन लेकर आइए एक तो जून एंड का चौबीस हज़ार का कॉल ऑप्शन ठीक है ना ये देखिए जून एंड का चौबीस हज़ार का कॉल ऑप्शन है इसका प्रीमियम देखिए आप एक सौ पंद्रह रुपये ठीक है ना और एक आप लेकर आइए जून एंड का बीस हज़ार का पुट ऑप्शन बीस हज़ार का पुट मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट दस परसेंट नीचे और उसका प्रीमियम लेकर आइए आप देखिए तिरपन रुपये अभी भी ट्रेड कर रहा है वो तो मार्केट में इस लेवल का एक फियर है अब एक नॉर्मल लॉजिक क्या कहेगा नॉर्मल लॉजिक ये कहेगा कि अगर आप इन दोनों ऑप्शन को बेच दें फॉर एग्ज़ाम्पल तो ऑलमोस्ट एक सौ का प्रीमियम आपके घर पर आ रहा है क्या निफ्टी बीस के नीचे या चौबीस के ऊपर जा सकता है इलेक्शन के बाद इसीलिए लेकिन लोगों को फिर बार बार वो 2009 भी याद आता है जैसे मार्केट ने सर्किट लगाया था तो इसके लिए ये ऑप्शंस इतने महंगे होते हैं और इसके लिए इन ऑप्शंस में टेम्पटेशन के बावजूद मैं कहूँगा कि प्लीज़ नेगेट सेल करने की गलती मत करिएगा ठीक है ना ये बस एक लिमिटेड पॉइंट था स्पेशली आज मत करिएगा एग्जिट uh, पोल से पहले अब आते हैं निफ्टी की स्ट्रैटी पर एक तो इवेंट है बड़ा और एक विक्स इतना महंगा है इसके लिए ये ऑप्शन बहुत महंगे हैं तो आपको जो भी ट्रेड करनी है वो आपको उसी हिसाब से करनी है कि ऑप्शंस महंगे होंगे पहला सपोर्ट है आपका 22394 पर 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और बड़ा सपोर्ट है आपका बाईस पर जो कि आपका चार्ट के हिसाब से रजिस्टेंस कहाँ मिलेगी पहले आपको ट्वेंटी टू फाइव सेवेंटी जो अर्स सपोर्ट था ट्वेंटी डे एक्सपोनशल मूविंग एवरेज शायद वहीं पर खुलने की तैयारी हो रही है और बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी फिर आपको बाईस सात सौ से बाईस सात सौ पचास कल के हाई के आसपास इंट्रा डे ट्रेड करें तीन बजे तक बिल्कुल और उसके बाद अपनी पोजिशन स्क्वेयर ऑफ कर लें उसमें सेलिंग का जोन होगा पहला मेरा अप्रोच सेल का रहेगा क्योंकि निफ्टी वीक है बाईस साढ़े पाँच सौ से बाईस छः सौ का जोन ये सेलिंग जोन है और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए बाईस छः सौ पचास का ये अगर ट्रेड चल गई तो अच्छा खासा मुनाफा देगी आपको हो सकता है एक बार के लिए हम बाईस चार सौ बाईस साढ़े तीन सौ भी तोड़ दें Uh, क्योंकि कल जिस तरीके की वीकनेस थी निफ्टी में मुझे लग रहा है कि एक सेलिंग uh, का मूव आएगा बाइंग कहाँ पर होगी बाइंग का जोन होगा बाईस तीन सौ से बाईस तीन सौ पचास और एक स्टॉप लॉस होगा वहाँ पर बाईस दो सौ पचास का ये सारी स्ट्रिक्टली इंटरेडेड रेट्स हैं आज जब हम कमाई का अड्डा करेंगे उसमें तीन बजे के करीब कोशिश करेंगे हमारे एक्सपर्ट से भी पूछेंगे और मैं भी कोशिश करूँगा कि अगर कुछ मिल सके तो एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी कल के लिए आ, अगर बनाई जा सके तो उस पर बात करेंगे लेकिन आज जो भी ट्रेड करनी है इन लेवल्स के हिसाब से

और यहाँ पर एक रेंज है 48,300 टू 49,000 बड़ी रेंज है ये 700 पॉइंट की बेसिकली कल इसके बीचों बीच बंद हुए हम इस रेंज के तो बाय जोन है 48,400 टू 48,550 और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए इसमें 48,300 का सेल जोन है स्ट्रिक्टली इंटरडे 48,800 टू 48,900 और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए 49,050 का ये मेरे ख्याल से एक अप्रोच है जो शायद आज काम करे बैंक निफ्टी पर भी अगेन बोल रहा हूँ कि स्ट्रिक्टली इंटरडेट रेट्स लें मार्केट में और वो भी सिर्फ तीन बजे तक और तीन बजे के बाद हम देखेंगे कि कोई ऑप्शन स्ट्रैटेजी बनेगी वैसे बैंक निफ्टी बननी मुश्किल है वो स्ट्रैटेजी ज़्यादा निफ्टी पर ही बन पाएगी आ, या फिर आप कल सुबह आकर एक सॉरी कल नहीं मंडे मॉर्निंग मंडे मॉर्निंग आकर एक फ्रेश व्यू लीजिए आफ्टर एग्जिट पोल्स के मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें